नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम मेकिंग न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त खबर सिंगरौली जिले से आ रही है, जहां पर कोरोना महामारी का संक्रमण बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा। इस कोविड की बढ़ती स्थिति को देखते हुए जहां पर सिंगरौली जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। वहीं आपको बता दें कि 16 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक सुबह 6 बजे तक जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीणा के आदेश द्वारा लागू किया गया कर्फ्यू। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। आज सिंगरौली जिले के मैं चितरंगी में हूँ। चितरंगी में देख रहे हैं कि यहाँ फुल लॉकडाउन जैसे स्थिति समझ में आ रही है। पूरी दुकान जो है तो यहाँ पर बंद दिखाई दे रही है, साथ ही जितने कार्यालय हैं और ऑफिस हैं सब जो है तो बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर पूरा रास्ता गली मार्केट सब सुन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है तो सारी दुकान बंद कर दिए हैं। कैमरा मन हम बताएंगे, थोड़ा सा दुकान तरफ भी दिखा दीजिए ताकि दुकान बंद है, लोगों का आना जाना पूरा बंद है। सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी गई है, साथ ही यहाँ पर आना जाना जो है तो लोगों का बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। सामने दुकान जो है अच्छी बताती है, दुकान जो है तो सब बंद पड़े हुए हैं। खाली मेडिकल व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से चालू है और इमरजेंसी सेवा जो है चाहे हॉस्पिटल का हो चाहे पेट्रोल टंकी का हो ये सब चालू है। बाकी सारी यहाँ दुकान बंद है। इमरजेंसी को छोड़कर सभी जो है तो सेवाएँ बंद पड़ी हुई हैं और यहाँ पर आवागमन भी पूरे रूपे जो है तो बंद पड़ा है। और हमारे सामने रजनीश साहू जी हैं, हम जानना चाहेंगे कि रजनीश कोरोना वैश्विक महामारी पूरे देश में छाई हुई है, सुरक्षा बचाव कर्फ्यू में कलेक्टर महोदय सिंगरौली द्वारा लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके पालन में यहाँ का पुलिस प्रशासन सब पालन करवा रही है और सभी इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ के बाकी सब सेवाएं बंद हैं। और आप देख सकते हैं सुन सब और यहाँ की जनता सब पालन कर रही है। हमारे साथ में और बहुत से साथी पत्रकार भी हमारे साथ आए हुए हैं और हम जानना चाहते हैं, हमारे साथ में श्रीमान सिंह जी हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो लॉकडाउन का जो है शासन से आदेश हुआ है कितना असर है आप? शासन के लॉकडाउन का जो आर्डर है उस आर्डर का तो यहाँ से देखा जाए तो मौके पर 100% दिखाई दे रहा है। सारी दुकानें बंद हैं, सारी सेवाएं ठप हैं और पुलिस बराबर राउंड में लगी हुई है। समस्या ग्रामीणों को हो रही है, ग्रामीणों को समय से अगर उनको आवश्यकता पड़ी दुकानें खुल नहीं रही हैं जिसमें उनको मटेरियल नहीं मिल पाता। राशन की दुकान सबसे पहले अनिवार्य है, रोज़मर्रा की सामग्री उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही दुकान बंद होने के कारण। जबकि शासन का आदेश दिया होम डिलीवरी कराई जाए और दुकानें चिन्हित की जाए, चितरंगी में अभी वो भी लागू नहीं, कोई दुकान ऐसी नहीं दिख रही जो रजिस्टर्ड हो कि सामने आए। माने रजिस्टर्ड दुकान जो जहाँ से लोगों की सुविधा मिलनी चाहिए होम डिलीवरी की, वो आज बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, कोई वो नहीं दिख रहा है। लेकिन आवश्यकता है कि उनको कुछ समय 2-4 घंटे के लिए छूट मिलना चाहिए ताकि लोगों की जो दिक्कतें हैं वो दिक्कत ना हो। इसका वजह यह है कि यहाँ पे चितरंगी मुख्यालय है, मुख्यालय पे एक भी रजिस्ट्रेशन की दुकानें नहीं है, रजिस्टर्ड दुकानें नहीं है, इसके वजह से वो होम डिलीवरी करने में सक्षम नहीं है और प्रशासन द्वारा उन्हीं को छूट दी गई है जो रजिस्टर्ड हों और वही होम डिलीवरी कर सकते हैं। अब इसमें कलेक्टर के आदेशानुसार 7 से 10 समय दिया गया है, 2-3 घंटे का टाइम दिया गया है और रजिस्टर्ड न होने की वजह से यहाँ लोगों की समस्या बनी हुई है। यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ जो रजिस्टर्ड दुकानें होनी चाहिए वह मौके से रजिस्टर्ड दुकानें न होने से लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की जो आवश्यकता की वस्तु है सामग्री है वह लोगों को नहीं मिल पा रहा है, सारी दुकानें बंद हैं, सारी व्यवस्थाएँ ठप हैं और लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए शासन से यह हम आग्रह करेंगे कि जो रजिस्टर्ड दुकानें रजिस्ट्रीकृत दुकान ऐसी हैं तो 4 चिन्हित कर दिया जाए ताकि लोगों की जो आवश्यकता की जो दुकान है वह यहां पर सुविधा लोगों को मिल सके। इसी के साथ हम अपने कैमरा मैन के साथ शिवंधर द्विवेदी की खबर। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।